मम्मा, 4 हफ्ते कंटिन्यूसली ट्राई करने के बाद किसी ने हाँ बोला है, कोई शर्मा जी है। मम्मा, गड़बड़ होने का कोटा अब खत्म हो चुका है, डोंट वरी, चलो बाय। ये लास्ट समोसा पर ये है तुम्हारे भाई का। सुश, सुनो। सॉरी नाया, अभी अभी खत्म हो गए सारे समोसे। ये समोसे की इमरजेंसी नहीं है, आज पीरियड्स की है। पैड है तुम्हारे पास? हाँ है ना हमारे पास, हम तो पिछले 2 हफ्ते से लेके घूम रहे हैं। पर कहते हैं ना, पैड पैड पे लिखा है इस्तेमाल करने वाले का नाम। थैंक यू। ये बहुत प्यारा है ना? और ये? वाओ, कितनी सुंदर दिख रही है। ती सब अच्छा है तो कौन सा पोस्ट करूं? अच्छा एक मिनट रुक, ये वाली। पक्का? हम्म, ठीक। अच्छा दी, मैं पोल डाल दूं मेरी मेहंदी ड्रेस option 1 या option 2 एंड #hashtag #hinazhena। अपनी मेहंदी की ड्रेस ऐसे डिसाइड करेगी ऑनलाइन? थी प्रोफाइल पे एंगेजमेंट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आप नहीं समझोगे। सौम्या, सौम्या जी। दीदी, यार ये बैगी लुक ना कैजुअल डेट के लिए रखो, शादी के आउटफिट्स के लिए नहीं। नाप ठीक से नहीं लिया तुमने? दीदी मैंने तो नाप ठीक से ही लिया था, और आपको पता है मैं तो सारी ब्राइड्स को बोल कर रखती हूँ कि आप 2 इंचेस ना टाइट बनवा लो आउटफिट। वो क्या है ना, शादी के चक्कर में सारी लड़कियाँ डाइटिंग कर लेती है और फिर वेट लूज कर लेती है। इनफैक्ट आप 2 इंचेस और लूज कर सकते हो अभी। ओ हेलो, #hashtag बॉडी शेमिंग मत करो, मैं कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं करने वाली, जैसी हूँ ठीक। लेकिन दीदी डाइट का थोड़ा ख्याल रखो आप, देखिए स्किन कितनी डल हो गई है और डार्क सर्कल्स भी बहुत हो गए हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको मेरी सिस्टर का नंबर देती हूँ, आप उससे मेकअप करवा लो, एकदम नेचुरल फ्रेश आलिया लुक बना देगी आपका। यार पहले आप लहंगा तो ठीक से बना दो। हाँ हाँ ठीक से बनाओ। देखो ना दी, पर हीना तो कुछ टाइम से पतली तो लग रही है। फाइन, अभी पता चल जाएगा। क्या कर रही है दीप? बिल्कुल वेट नहीं लूज किया है मैंने। ढाई किलो? हीना तू सच में डाइटिंग कर रही है ना? अरे कल ही 1/2 किलो ढाई जलेबी ठूसा है हमने। मुझे भी चाहिए। हीना कोविड टेस्ट तो नेगेटिव आया ना तेरा, पर तेरी खांसी तो रुकी नहीं रही है। मैं अभी भी बोल रही हूँ ना, एक बार दिखा ही ले डॉक्टर को। यार आप तो पीछे ही पड़ गए, कहा ना मैं ठीक हूँ। हीना, हीना बात तो सुन। आप कहाँ रह गए थे, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, हमें कुछ बताना है। हमें भी बताइए। हमारी इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी शुरू होने वाली है, वो जो हमारे जॉइंट अकाउंट में 2.5 लाख रुपए थे ना, वो हमने मुकेश को दे दिए सेटअप करने के लिए बिजनेस। आप देखिएगा 2-3 महीने में पैसे डबल होके वापस भी आ जाएंगे। अपने सारा पैसा बिजनेस में लगा दे और हमसे पूछा तक नहीं। हमको लगा था आप ये जानकर खुश होंगी, हमारी बात हुई थी इस बारे में, अपना पैसा अपना काम अपना मुनाफा। पर नहीं हुआ मुनाफा तो, मतलब नुकसान हो गया तो।
देखिए रिस्क है तो इश्क है। सुष्मिता आपका कैंटीन का काम बढ़िया चल रहा है ना, हमारी मीटिंग भी आज बहुत अच्छी हुई है, आप देखेगा अब आप टाटा और हम बिरला। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आप बिरला और हम टाटा। हम लेट हैं। हाँ आज देरी हो गई हमको ऑफिस से आने में, बहुत ट्रैफिक था। हमारा महीना लेट है 2 हफ्ते से, और कभी भी ऐसा नहीं होता है। अच्छा आप इसलिए टेंशन में हैं। आप टेंशन में हैं इसीलिए देरी हुई होगी, और गुड न्यूज हुई तो माँ बाबू जी दोनों खुश। सुनिए इधर आइए आइए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब सही हो रहा है। अरे कौन कमीना ऐसे समय पर फोन करता है भाई। हमको जाना होगा, हाँ थोड़ा अर्जेंट है, हाँ आते हैं, आइसक्रीम लेते आएंगे। नहीं खाना है हमें आइसक्रीम। क्या बात है, आज रवि सर को ड्रॉप नहीं करना है? रवि सर नहीं, उनको आज लोकेश ड्रॉप कर देगा, और वैसे भी तुम्हारे साथ जाने में मजा आता है नायला। मतलब तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, इसलिए मजा आता है। मतलब इनाया कम से कम 2 साल तो हो गए, पर आज तक मैंने किसी को ऐसे अजीब टॉपिक पे फिल्म बनाते नहीं देखा। हाँ एक था कृष्णा करके, उसने पिछले साल कोई तो भूत प्रेत पे फिल्म बनाई थी, अगले साल वो खुद ही गायब हो गया। चलो रिलेशनशिप और इंटीमेसी कम से कम रियल में तो होते हैं। अच्छा पर वैसे एक बात समझ में नहीं आई, ये कौन से अंकल हैं जो तुमसे इस तरह की बातें करने को तैयार हो गए? क्यों ये अच्छी बात नहीं है क्या? नहीं मतलब इस तरह की बातें तो प्राइवेट में होती हैं ना, ऐसे खुले में सबके सामने थोड़ी ना। किस तरह की बातें? मतलब वही रिलेशनशिप वगैरह, मतलब वगैरह क्या क्या सेक्स? पंकज तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ये बातें डिस्कस नहीं करते क्या? गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, मतलब अभी नहीं है, और वैसे भी अगर मेरी गर्लफ्रेंड होगी ना तो मैं उससे सीधा सीधा प्राइवेट में बात करूंगा, पूरे शहर के सामने थोड़ी ना करूंगा। पूरे शहर से बात करने को नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि लोग खुल के अपनी कहानी बता सके। तू बिंदास बोल।